नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्योदय में। दुनिया भर में खतरनाक रूप लेते जा रहे कोरोना वायरस का तोड़ मिल गया है। आपको बता दें, इजराइल ने इस क्षेत्र में बाजी मार ली है। कोरोना की वजह से अब तक पूरे विश्व में करीब 1,34,680 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मगर अब एक अच्छी खबर है, इजराइल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। WHO ने चंद दिन पहले ही कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। कोरोना से पूरा देश त्रस्त है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक 4,973 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका असर भारत में फैलता ही जा रहा है, लेकिन अब इस महामारी का तोड़ मिल गया है। यह तोड़ इजराइल के पास है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इजराइल ने एक वैक्सीन तैयार किया है। इजराइल ने कहा है कि वह जल्द ही इस वैक्सीन की सप्लाई संक्रमित देशों में करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ निकाल लिया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए टीके बनाए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें इस बात की मान्यता भी मिल जाएगी। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनका कहना है हम इस बीमारी के इलाज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय मीडिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर खबर की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।